हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ब्रोकली की बहुत हेल्दी, यम्मी और न्यूट्रिएंस सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं ब्रोकली की सब्जी। ब्रोकली देखने से ही बहुत टेम्पटिंग लगती है और साथ ही ये प्रोटीन और फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो चलिए हम सबकी फेवरेट ब्रोकली की बहुत यम्मी और टेस्टी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम ब्रोकली ली है और अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बिल्कुल कॉलीफ्लावर की तरह ही इसे हमें कट करना है और इसके पीसेस का साइज छोटा या बड़ा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लें। ब्रोकली को अब अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जब चटकने लगेगा तो अब इसमें डालेंगे 1 अनियन रफली चॉप किया हुआ, 2 टोमेटो रफली चॉप किए हुए, थोड़ा सा लहसुन यानी कि 5-6 कली लहसुन की, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का और साथ में थोड़े से काजू, 8-10 पीस काजू के लेने हैं। और अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए हम जितना अनियन लेते हैं उसका डबल हमें टोमेटो लेना होता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना है, और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे अराउंड 5-6 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे तो देखिए अनियन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है और अनियन और टोमेटो ने पूरी तरह से ऑयल को छोड़ दिया है। इट मीन्स अनियन और टोमेटो पक गए हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। अराउंड 4-5 मिनट में जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे। हमें इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी करना है। ये सारी तैयारी हमने ग्रेवी के लिए की है। इसमें डालेंगे 1/2 कप वाटर और इसे ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। अभी एक कढ़ाई में या फिर सेम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जब चटकने लगेगा तो इसमें डालेंगे कटी हुई ब्रोकली और साथ में मैंने थोड़ा सा पनीर भी लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल के साथ अच्छे से कोट हो जाए। आप चाहें तो पनीर को स्किप कर सकते हैं और ब्रोकली की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट थोड़ा ही लेना है क्योंकि हमने ग्रेवी के लिए ऑलरेडी उसमें सॉल्ट ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और इसे ढक के अराउंड 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। अराउंड 4-5 मिनट के बाद इसे ओपन करके देखेंगे तो देखें ब्रोकली का कलर कितना अच्छा आ गया है। ब्रोकली को ओवर कुक नहीं करना है, इससे इसके न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो टोमेटो अनियन की प्यूरी रेडी की थी। साथ में सारे मसाले ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, जीरा पाउडर, गरम मसाला। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और अराउंड 2-3 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से पकाना है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा मिर्ची भी ऐड कर लें। 2-3 मिनट के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले जब अच्छे से पक जाते हैं तो साइड से ऑयल छोड़ने लगते हैं। अभी हमें इसमें वाटर ऐड करना है तो मैंने ग्राइंडिंग जार में थोड़ा वाटर डाल के इसे सेक करके ऐड कर लिया है। और वाटर की क्वांटिटी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखें। जितना आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली वाटर ले लें और इसे एक उबाल आने तक पका लें। अभी सब्जी में बॉईल आ गए हैं तो देखें ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखें। यह सब्जी खाने में बहुत यम्मी तो है ही, साथ में बहुत हेल्दी भी है। ब्रोकली और पनीर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। बहुत ईजी और सिंपल तरीके से हमने ये सब्जी बनाई है। तो अब सब्जी रेडी है तो थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम या फिर फ्रेश मलाई ऐड कर लेंगे। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर और क्रीमी टेस्ट आता है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब बस ब्रोकली की सब्जी रेडी है सर्विंग के लिए। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे तो यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म सब्जी को निकाल लेंगे एक सर्विंग बोल में सर्विंग के लिए। ब्रोकली की सब्जी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल और इजी तरीके से हमने ये सब्जी रेडी की है। ज़्यादा ऑयल यूज नहीं किया है और बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं किया है ताकि ब्रोकली की न्यूट्रिशंस वैल्यू मेंटेन रहे। ब्रोकली की ये सब्जी बच्चों को बहुत पसंद आती है, साथ ही बहुत हेल्दी भी है क्योंकि ब्रोकली प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है।
ब्रोकली की सब्जी की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी रेसिपी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।